स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जा रहे हैं गांधरधारा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिले का बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट है। एक वाटरफॉल है, उसी वाटरफॉल को देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं। और ये जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं उसे कहते हैं विशाखापट्टनम रोड। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में ये जगह निर्माणाधीन है और हम लोग कुरुद से हम लोग चढ़े हैं। कुरुद से हम लोग आगे बढ़े और सीधा सीधा हम लोग आ गए हैं। लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। आगे हम कटेंगे कोटरवाही मार्ग पर और कोटरवाही से आगे जाएंगे बासीखई, और बासीखई से लगा हुआ है गांधरधारा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप गांधरधारा आना चाहते हैं तो क्या आने के प्रमुख कौन कौन से मार्ग हैं, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के एक और प्यारे से टूर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गांधरधारा। जी हाँ, यह स्थान है बासीखई धमतरी जिले में। तो हम लोग आ गए हैं कोटरवाही वाले मार्ग पर, और ये जो मेन रोड है विशाखापट्टनम का रोड हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ से सामने जो गांव दिख रहा है वो कोटरवाही है। यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो सामने जा सकते हैं नरहरा, लेकिन आज हम लोग नरहरा नहीं जा सकते, हम लोग जाएंगे गांधरधारा। दोस्तों धमतरी जिले में बहुत सारे प्यारे प्यारे पिकनिक स्पॉट है, जिसमें से एक प्यारा सा नाम है गांधर वाटरफॉल का, जिसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, रोमांचित करती है। और झरने में ऊंचाई से जमीन पर गिरते हुए पानी को देखना आत्मा को एक सुकून प्रदान करता है। दोस्तों आप कोटरवाही से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नरहरा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आज हम लोग नरहरा वाटरफॉल नहीं जा करके हम लोग जा रहे हैं आज गांधर वाटरफॉल। पक्की रोड से सीधा ये रोड है, नहीं कर ले ये कर ले नहीं जाए ना, एक तो पत्थर पड़ बाइक तो चल रहे थे ना पैदल थोड़ा दूर में, एक बार तो गए रहे हमें रास्ता समझ नहीं आया। कोर्रा है आगे सामने गांव है ना। हाँ। पक्की रोड आप पहुँचा हूँ। हाँ। वहाँ से बाएं ले लेना, बाएं सीधा कोर्रा जाए। कर ले नहीं, एक कर ले वो नाला चल रहा होगा, नहीं गाड़ी नहीं जा पाएगा। एक बार तो पैदल गए, गाड़ी खड़े करके हम आऊंगा, बहुत पहले आ रहे हैं, लगभग पड़ेगा वहाँ से और ज्यादा, कोर्रा से नजदीक पड़ेगा। अच्छा ठीक। दोस्तों यह स्थान प्रकृति के रोमांच से भरपूर है। यह खूबसूरत झरना आपको देखने को मिलेगा कोर्रा नाला पर। जी हाँ दोस्तों, धमतरी जिले का यह दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, और धमतरी की नरहरा वाटरफॉल को देखने अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी मार्ग पर यह स्थान बसा हुआ है। गांधर का देखे ये रोड है रे, रास्ता भुला गए हम अंदर बाहर रहने आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं मैं रोड डाल लेते। धमतरी के अगर आप नरहरा वाटरफॉल को देखना चाहते हैं तो गांधर यात्रा भी आपके लिए एक प्रमुख स्थल बन सकता है। दोस्तों अगर आप धमतरी के नरहरा वाटरफॉल को देखना जाना चाहते हैं तो गांधर भी उसी मार्ग पर है, बस थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर और देना पड़ेगा। हम लोग समय से आगे बढ़ रहे हैं भैया गांधरधारा की ओर, रास्ता भूलते हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आगे चले गए थे कोर्रा, और कोर्रा से फिर वापस आए तब हमको पता चला यहाँ पर है, दो चार लोग मिले रास्ते में उन लोग, लेकिन नहीं बता पाए, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो गांधर आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक बार आपने गूगल मैप बंद कर दिया तो फिर चालू करना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे साथी भी आ रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन लगभग 2.5-3 घंटा लगातार बाइक चलाने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पर गांधर में एक बार और आया हूँ, बहुत ही प्यारा और शानदार नज़ारा है यहाँ का। एक बार आप नज़ारा देखेंगे फिर ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, बहुत कम पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो इसीलिए लोगों की आवाज़ यहाँ पर नहीं होती है, सड़क भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अगर बाइक में आते तो ही ठीक है, कार यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत लंबा दूरी आपको पैदल ट्रेवल करना पड़ जाएगा। तो आप सुन सकते हैं कलकल की आवाज़ यहाँ पर आ रही है, और ये देखिए ये शानदार नज़ारा है गांधर का। दोस्तों आपको बता दें कि ये झरना बासीखई के जंगलों के अंदर स्थित है, और इसके आसपास का पूरा वातावरण जो है चारों तरफ हरा भरा है। तो
और इसके आसपास एकदम हरा भरा वातावरण है। झरना ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है और जब इसका पानी चट्टानों पर होकर के बहता है तो बहुत ही सुंदर आवाज़ यहाँ पर कलकल का आवाज़ देखने और सुनने को मिलता है। गूगल मैप की सहायता से आएँ, स्थानीय लोगों को लेकर के आएँ, तभी आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा फुलफुलिया है, यहाँ पर कोई पैरों का निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, गांधर वाटरफॉल मानसून के मौसम में बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ता है और बहुत दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। धमतरी जिले के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट नरहरा के पास यह स्थान लगा हुआ है। दोस्तों, गांधर वाटरफॉल तो वैसे साल के किसी भी मौसम में आप यहां पर आ सकते हैं, लेकिन वर्षा काल में यह स्थल और भी ज्यादा रोमांचकारी हो जाता है। दोस्तों, वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और लोगों में सिहरन पैदा करती है और आप इस स्थान पर जुलाई और अक्टूबर के समय आना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, गांधर जलप्रपात के आसपास घने जंगल देखने को मिलते हैं जो गांधर वाटरफॉल की प्राकृतिक सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहां पर आने का प्रमुख मार्ग जो है वो आप धमतरी से कुकरेल होते हुए आ सकते हैं। धमतरी से कुकरेल और कुकरेल से बासी खई और बासी खई से आगे लगा हुआ है लगभग 5 किलोमीटर पर गांधर वाटरफॉल। दोस्तों, अगर आप नवनिर्माणाधीन विशाखापट्टनम मार्ग से आना चाहते हैं तो कुरुद या किसी भी स्थान से आप जो विशाखापट्टनम मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और वहां से आपको जाना पड़ेगा कोटरवाही, फिर कोटरवाही से बासीखेई और बासीखेई से फिर 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गांधर वाटरफॉल। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम पर्यटक आते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने पीने की कोई वस्तु देखने को नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो विशेष तौर पर खाने पीने की वस्तुएं अपने साथ लेकर के जरूर आएं। दोस्तों, अगर आप गांधर वाटरफॉल आना चाहते हैं तो धमतरी से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और कुकरेल से अगर आप गांधर जाना चाहते हैं तो वहाँ से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। और हम गए थे कुरुद से, तो कुरुद से गांधर की जो दूरी है विशाखापट्टनम मार्ग होते हुए तो यह लगभग 40 किलोमीटर है। जो है
गांधर वाटर। राज जी रास्ता ये कुबरे से कितना दूर पड़ेगा? कुबरे से लगभग वही 10 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। 10 किलोमीटर आपका पासी के लगभग ये वही 5 किलोमीटर। आने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रास्ता यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सामने मेन रोड पर एरो कहीं पर होना चाहिए जिसके माध्यम से पता चले भैया गांधर इधर है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या देखने को मिली। देवेंद्र भाई ने बताया कि 5 से 10 लोगों को हमने पूछा यहाँ पर आने के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने सही रास्ता नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से भटकते भटकते हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ ऑलरेडी मेजर साहब है। मेजर साहब बताएंगे कैसा लगा जगह आपको? बहुत बेहतरीन जगह है, ये हर एक आदमी को यहाँ आना चाहिए देखने के लिए। बहुत बढ़िया हाल है, देखने लायक है। हर एक आदमी जो है देखने के लिए आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ का, बहुत सुंदर। हमारे दोस्तों के अलावा यहाँ पर और कोई पर्यटक देखने को नहीं मिला। एक बड़ी समस्या यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर आवाज है कि सुविधा जो वो ठीक नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही कम पर्यटक यहाँ पर है। यही है कि जो है यहाँ आने जाने का साधन सुविधा सही नहीं है। सुविधा होने पर यहाँ जो है बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया। शासन प्रशासन अगर चाहे रास्ता बना दे यहाँ पर ज़्यादा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं छत्तीसगढ़ के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय गांधर धारा।